अगर कोई मेरी गर्दन पे छुरी भी रख दे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। असउद्दीन ओवैसी। अरे भैया ओवैसी बंधु हो, तुमको आग बरसाने के अलावा और कुछ काम नहीं है क्या? तुम सिर्फ भारतीय सोसाइटी में जहर ही बोलना जानते हो क्या? दोनों भाई, वो कहता है, छोटे वाला कहता है कि कसाब बच्चा था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप कहते हो कि आपकी गर्दन पर अगर कोई छुरी भी रख दे तो भी भारत माता की जय नहीं बोलोगे। भाई साहब, आपने कभी जिंदगी में थप्पड़ मारा है किसी को? ये बकवास करके आप सोचते हो कि आप भारतीय मुसलमानों के ठेकेदार बन जाओगे, तो अब ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। भारतीय मुसलमानों की रगों में अशफाकुल्ला खान का रौ दौड़ता है। वो अशफाकुल्ला खान जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के घुटने टिकवा दिए थे, वो अशफाकुल्ला खान जो कहते थे कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा, बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं फिर आऊंगा फिर आऊंगा, फिर आकर के ए भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। दिल करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ, पर अगर कहीं मिल गया खुदा तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। उनका लहू दौड़ता है भारतीय मुसलमानों की रगों में, देशभक्ति कूट कूट के भरी है भारतीय मुसलमानों की रगों में, तुमको बतला दूं। अब्दुल हमीद का लहू दौड़ता है भारतीय मुसलमानों की रगों में कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अपनी छाती पे बम बांधकर पाकिस्तानी टैंकों के नीचे लेट गए थे। अब्दुल कलाम साहब का लहू दौड़ता है भारतीय मुसलमानों की रगों में कि जिन्होंने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बना दिया। उन मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश ना करो, ना वो तुम्हारे बहकाए में आएंगे। तुम क्या सोच रहे हो, ये उल जलूल बयानबाजी करके तुम सारे मुसलमानों के ठेकेदार बन जाओगे? अबे बंद करो जहर घोलना, मान जाओ दोनों के दोनों भाई। और हाँ, क्या कह रहे थे तुम, तुम्हारी गर्दन पे छुरी भी रख दे तो भी तुम भारत माता की जय नहीं बोलोगे? एक काम करो, ये प्रयोग मुझसे करवाओ, स्टाम्प पेपर पे लिख के दो कि जी मैं ये प्रयोग करवा रहा हूं और मैं अगर मर गया तो किसी पर मुकदमा दायर नहीं होगा। और तुम छुरी की बात कर रहे हो, तुम मेरे हाथ में ब्लेड दे देना, तुम भारत माता की जय, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी घर की बकरियां भी भारत माता की जय बोलेगी। मान जाओ, बर्बाद मत करो इस मुल्क को। जय हिंद।